हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 26 मई 2019 है और मैं निफ्टी पे ओपिनियन लेके आया था। आपको बोला था 11650 पे इसको अच्छा सपोर्ट है, अगर वो नीचे नहीं जाता है तो ये 12000 के तक जाके दिखा सकता है आपको। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं और वैसा ही ये कर रहा है। और चूंकि एक्सपायरी था इसलिए वापस आपको उस रिजल्ट के दिन 23 तारीख के दिन वापस नीचे आकर के वहाँ पर आपको 650 के आसपास सारे वैल्यू को जीरो कर दिया। लेकिन उसके दूसरे दिन इसको उठना ही था और अब जिस तरह से जा रहा है तो 12000 जो लेवल आपको उस दिन दिखाया है वो वापस दिखा देगा ये, आपको इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि ये 12300 12250 के बाद सुस्ती नहीं लेगा, वापस न्यूज़ आएंगे नीचे जाएगा। लेकिन अब 11000 पे लगता है ऐसा, अब नीचे की ओर 11000 पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है तो मतलब यहाँ से बहुत दूर है, तो इसलिए अभी नहीं 11000, अभी तो आप 11650 का स्टॉप लॉस लगा लें निफ्टी में और बाइंग पोजीशन पे चाहें तो इसमें खड़े रह सकते हैं। आप देखेंगे जो क्लोजिंग हुआ है, जो लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है तो वहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया 11844 187 पॉइंट अप के साथ, 45 एडवांसेज है जो कि इंस्टॉलमेंट्स दिख रहा है, डिक्लाइन 5 है जो वीकनेस दिख रहा है। इसमें जो गेनर ICICI, वेदांता, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल और जेल एंटरटेनमेंट, और जो लूजर है टेक महिंद्रा, NTPC, TCS, ONGC, ये सब लूजर्स के रूप में। अगर इंडेक्स की बात करें तो सारे इंडेक्स ग्रीन थे क्योंकि इलेक्शन का एक्सपायरी हो चुका था 23 तारीख को ही, तो 24 तारीख को तो कोई ऐसा कुछ होना नहीं था। बिक्स भी देखेंगे तो आप 15 पॉइंट बहुत अच्छा खासा पॉइंट से गिरते हुए इसने जो अपन हाई लो क्लोज दिया तो 16 पे क्लोज दिया, तो एक साथ अच्छा खासा ये गिरावट दिखा करके आपको बिक्स भी नीचे की ओर आ गया। आप देखेंगे चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे जो भी हो, सब ने क्लोजिंग की और अच्छी खासी। यहाँ से बैंक निफ्टी भी हो सकता है कि ऊपर आपको 31500 32000 तक जाते दिखेगा, जो कि मेरा प्रीवियस था 31500, लेकिन अब लगता है जिस तरह से स्ट्रांगनेस है तो अगर कोई भी आउटसाइडर कोई न्यूज़ नहीं रहा, चाइना का ETF वैसा कुछ नहीं रहा, तो आपको ये 31 32000 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। पहले निफ्टी 50 पे अपडेट ले लेते हैं। निफ्टी 50 में देखेंगे आप जो भी 45 एडवांस डिक्लाइन है तो उसमें निफ्टी जो ओपन हुआ है 11748 पे ओपन हुआ है, 11859 का हाई बनाया, लो 11658 का बनाया, फिर 844 का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे क्लोजिंग देता है। उस पर जो लूजर है उस पर जो टेक महिंद्रा, NTPC, TCS, ONGC, HCL टेक, ये मार्जिनल से थोड़ा क्लोज है। और बाकी आप देखेंगे जो 52 वीक हाई की ओर है तो ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, LT, SBI, ये सब अपने 52 वीक की ओर हाई की ओर है। SBI में लॉन्ग टर्म पोजिशन के लिए बने रह सकते हैं। अगर FIDI की लेटेस्ट एक्टिविटी को दिखाऊं आपको तो FIDI में देखेंगे FIDI कर क्या रहा है, तो पूरे मंथ टिल डेट देखेंगे तो टोटल कैश में 87000 करोड़ का परचेज किया है, 87108 करोड़ का, और 91000 करोड़ का सेल किया है। मतलब मई मंथ में नेट 4886 करोड़ का सेलर है FI। इसमें देखेंगे 23 तारीख को बाई हुआ है 1352 करोड़ और 24 मई को बाई हुआ है 2000 करोड़। मतलब उस बहुमत के बाद इनको थोड़ा सा विश्वास आया है। वहीं DI देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेल के रूप में दिख रहा है और नेट या बायर के रूप में आपको दिख रहे हैं 6293 करोड़ के रूप में, लेकिन 23 तारीख को भी 593 करोड़ का सेल किया है और 24 को 195 करोड़। ये यहाँ से कंटिन्यू सेल कर रहे थे और ये यहाँ से, क्यों 22 तारीख को देखेंगे दोनों ने सेलर थे, अदरवाइज आप देखेंगे ये बाय करते हैं, ये सेल करते हैं, ये सेल करते हैं, ये बाय करते हैं। लेकिन जब ये इन्होंने बाय किया था 2000 करोड़ का तो इन्होंने सेल जो किया था बहुत कम किया था इन दोनों दिन में। मतलब ये दिखता है कि अब सेलिंग पोजिशन में लोग नहीं रहना चाहते हैं बल्कि बाइंग पोजिशन में जाना चाहते हैं। इवन दो आप पहले इसके देखेंगे तो जब 1000 करोड़ का था तो 1800 करोड़ का बाई हो रहा था, 1100 में 600 करोड़ का, मतलब 50-60% का रेशियो रहता था, 2000 में 22, 1000 में 1000, 1200 में 1100। लेकिन अभी आप देखिए 2000 की जब बाइंग हुई तो सिर्फ 195 करोड़, मीन्स 10% भी नहीं रहा। तो इससे कहीं ना कहीं दिखता है कि अभी बाइंग स्ट्रॉन्गनेस निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है। फ्यूचर ऑप्शन में भी देखें, FI इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो मंथ टिल डेट तक देखेंगे FI ने फ्यूचर में नेट सेलर है 5539 करोड़ का,
लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो 3173 करोड़ का बाइंग किया इन्होंने। इनफैक्ट 23 तारीख को भी फ्यूचर में ये बाय कर सेल कर रहे हैं और ऑप्शन में बाइंग पोजीशन बना रहे हैं 6000 करोड़ से 3000 करोड़ से। तो यहाँ पे भी लगता है FI को ये सेल के रूप में रख रहे हैं और यहाँ पे FI ऑप्शन में इंडेक्स में तो फ्यूचर में ये सेलर है, नेट सेलर है 5500 करोड़ का और इंडेक्स ऑप्शन में नेट बायर है 3100 FI की बात करें तो। इनफैक्ट अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी मंथ टिल देते 6295 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। उन्होंने 20 और 21 को सेल की लेकिन 22 और 23 को म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग किया। इक्विटी की बात कर रहा हूँ तो डेब्ट में तो बाई कर ही रहे लेकिन इक्विटी में भी बाई कर रहे हैं और डेब्ट में भी अच्छा खासा बाई कर रहे हैं। इक्विटी में उतनी अच्छे से बाई नहीं की इन्होंने जितना डेब्ट में बाई किया है, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड अभी भी शायद वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहते हैं। तो ये तो डाटा का खेल था। अभी अगर इसको चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे ये जो 5 आवर का चार्ट लगाया हूँ तो ये एक रेंज को यहाँ पे खेल रहा था और इसको गैप लेते हुए तोड़ते हुए ऊपर की ओर गया, तो कहीं ना कहीं इसको एक अच्छा सा सपोर्ट मिला हुआ है 11790 के आसपास यहाँ मिलना चाहिए इसको 11790। तो आप ये लेवल नहीं भी लेते हैं, थोड़ा नीचे भी आते हैं तो 11650 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है इसको। इनफैक्ट इनको ये लेवल ही, जब ये लेवल को तोड़ने में ही बहुत अच्छा टाइम लग जाएगा, ये लेवल ही इनसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो ये लेवल जो है आपको आता है 11780 के आसपास जो आ रहा है, ये लेवल तोड़ना भी इतना इजी नहीं रहेगा अभी। यहाँ से पहले ये बहुत बार आप देखेंगे यहाँ से ऊपर नीचे गया है और अगर तोड़ता है किसी कारण से और 11650 को तोड़ता है तो वापस ये नीचे 11400 और फिर नीचे जाकर के 11100 पे सपोर्ट लेगा। तो एकदम नेक टू नेक कोई है कि एकदम शॉर्ट से शॉर्ट लगाना चाह रहे हैं तो 11780 का लगा लीजिए और उससे भी उस थोड़ा रिस्क ट्रेडर जो लंबा रिस्क ले सकते हैं 11650 का लगा लीजिए, ये 11645 का लगा लीजिए और वो ब्रेक होता तो शायद एक नीचे की ओर आपको देखते हुए दिखेगा। यहाँ पे भी वैसा ही दिख रहा है कि ये 11844 की ओर जा रहे हैं, यहाँ से एक सिग्नल भी दिया हुआ आपको बेरिश रिवर्सल का सिग्नल दे रहे हैं वो कि कहीं ना कहीं ये बेरिश रिवर्सल शो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक्सपायरी को लेकर के था 23 तारीख का जो भी था वो एक्सपायरी को लेकर के था तो वैसा सिग्नल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट आप देखेंगे तो ऊपर की ओर साइड बुलिश से नीचे स्ट्रिक ज़्यादा है, ये बुलिश पैटर्न ज़्यादा शो कर रहा है रेदर देन बेरिश पैटर्न, ये बुलिश ही दिख रहा है और ये हो सकता है कि आपको एक बार 12000 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा, तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको डेली बेसिस पे देखूँ तो ये जो हाई लगाया था एक स्पाइक लगाया था 12040, तो 12040 तक वापस ये जा सकता है। अगर डेरिवेटिव में इसकी पोजीशन की बात करूं तो डेरिवेटिव में देखेंगे आप कि यहाँ आप ये एक्सपायरी आप देखेंगे ये 30 में की एक्सपायरी को है 11844 पे है, ये साइड पुट है ये साइड कॉल है, तो यहाँ जो पोजीशन है कि एट द मनी 11840 पे जाकर के देखें 11800 पे देखें तो यहाँ पे कॉल साइड से अनवाइंडिंग हो रही है और पुट साइड में 238000 से यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट की पोजीशन बनी और यहाँ पे अनवाइंड हो रही है। इनफैक्ट आप कॉल में देखें तो यहाँ पे भी अनवाइंड है, ऊपर की ओर 11850 जा रहे हैं और ये हर लेवल से 9 यहाँ से भी अनवाइंड हो रही है, 10 लाख से यहाँ से भी अनवाइंड हो रही है, 12 लाख से भी, तो कॉल में सारे साइड से अनवाइंडिंग पोजिशन बना रही है। मतलब जिनको ये था शॉर्ट करके कॉल में बैठे हुए थे कि नीचे की ओर जाएंगे वो अब शायद ये ऊपर की ओर जाते दिख रहा है आपको और ये 12100 तक पे यहाँ पे 1527000 का है और 10 लाख से आप देखेंगे जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी यही से अनवाइंड हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये कॉल की ओर ऊपर की ओर आपको जाते हुए दिख सकता है। और इधर बात करें तो 1071000 का जो सपोर्ट बना है 11700 पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ 26 लाख से और वो तोड़ता है तो फिर आपको 11500 पे 27 लाख से बना हुआ है, तो 11800 पे भी देखेंगे इनफैक्ट जो जिस पे चल रहा है वो तो आपका 238000
तब 11700 के सपोर्ट से खड़े रह सकते हैं। 11700 ही टूटने वाला है इसका बहुत जल्दी, और इसके 11700 पे बहुत अच्छा सपोर्ट इसको मिलेगा। और आप चाहें तो इसके 11700 के सपोर्ट से अपर साइड में आप पोजीशन देख सकते हैं। और अगर 12000 के प्राइस को देखें, 12000 के इसके प्राइस को देखें, लास्ट ट्रेडेड प्राइस तो 3680 है। दो यहाँ से पोजीशन अनवाइंड हो रहा है, प्राइस रिडक्शन हो रहा है, तो हो सकता है जो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट करके होंगे वो बाहर निकल रहे हैं। तो ये बहुत ऊपर तो नहीं जा सकता 12000, इसको क्रॉस इस महीने तक नहीं करना है। तो आपको 11700 से लेकर के 12000 के रेंज में आपको देखने को ये एक्सपायरी में आपको मिल सकता है। और अगर 11650 जैसा बोला अच्छा सपोर्ट है, 11645 टूटता है तो फिर ये नीचे 11100 तक जा सकता है। लेकिन इस महीने की एक्सपायरी जो है वो लग रही है कि ऊपर की ओर जाते हुए आपको दिखे, 11-12000 की ओर जाते हुए आपको दिख सकती है। इसलिए कॉल से जो शॉर्ट पोजीशन थी उसकी अनवाइंडिंग हो रही है, और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन कॉल में नहीं है। तो यहाँ पे है 12200 पे 22 लाख का है, अदरवाइज देखेंगे तो आपको 36,91,000 का यहाँ पे 12000 पे है, उसके पहले 14,17,00,000 है। टोटल पोजीशन देखें तो 3,21,70,000 का है और 2,72,00,000 का है। मीन्स कॉल की ओर ज़्यादा पोजीशन है, तो लोगों का कहीं ना कहीं बुलिश बटन ही है, बुल की ओर ज़्यादा है। प्राइस सेक्शन में भी देखें तो कॉल में पॉजिटिवनेस आ रही, प्राइस आ रही है, और पुट में शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है। तो कहीं यहाँ पे 10700 पे 10,71,000 के साथ 26,00,000 का स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग हुआ है। तो ऐसा दिखता है कि ये 11700 से 12000 के रेंज में आपको एक्सपायरी तक हो सकता है आपको देखने को मिले, इसी रेंज में आपको देखते हुए मिल सकता है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मेरा कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर कोई भी बाय और सेल करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करें, क्योंकि वो आपके रिस्क एपेटाइट को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।